हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रदीपा कुकिंग एंड लाइफस्टाइल में स्वागत है आपका। तो फ्रेंड्स, आज हमारे जो मतलब फादर इन लॉ हैं उनका आज बर्थडे है, तो मैं जा रही हूँ कुछ डिनर, कुछ स्पेशल भी बहुत नहीं लेकिन थोड़ा बहुत कुछ बनाने जा रही हूँ। तो बस ऐसे ही घर में ही सेलिब्रेट कर रहे हैं खाना बना के, और तो कुछ ज़्यादा नहीं कर रही हूँ मैं। तो ये देखिए, मैंने सिवई ये फ्राई करके रख ली है क्योंकि उनको सिवई बहुत पसंद है, और मटर पनीर सब्जी में मटर पनीर बनाने जा रही हूँ। और सुबह मैंने आलू परवल की बनाई थी तो वो सब्ज़ी रखी हुई है, तो बस इस टाइम सिर्फ मटर पनीर और पूड़ी बनाऊँगी और सिवई बनाऊँगी। तो ये देखिए, इधर मैंने दूध गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है, उधर प्याज लहसुन सब मैंने पेस्ट बना के रख लिया था, वो मेरा भुन भी गया है। क्योंकि पूरी रेसिपी इसलिए नहीं मैं दिखा रही हूँ कि वीडियो भी लंबा हो जाएगा, और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है भी। तो ये मैंने फ्रेश मलाई डाली है थोड़ी सी, तो उससे थोड़ा सा टेस्ट और कलर दोनों अच्छा हो जाता है सब्ज़ी का। मैं मटर पनीर में ज़रूर डालती हूँ, तो उससे बहुत अच्छा कलर हो जाता है सब्ज़ी का। तो बस यही हमारी तैयारी चल रही है, और बिल्कुल अचानक से हम लोगों ने प्लान बनाया कि चलो खाना ही बना लेते हैं कुछ ऐसा स्पेशल थोड़ा सा डिनर। बाकी तो केक वगैरह तो नहीं मंगाया है क्योंकि वो कट भी ना करते, उनको नहीं पसंद है, तो इस वजह से बस सिंपल तरीके से हम लोग घर पे खाना बना के और सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो खुशी मिलती है ऐसे घर में अपनों का कुछ बर्थडे वगैरह इस तरीके से सेलिब्रेट करना, मनपसंद डिनर उनका बनाना अच्छा लगता है थोड़ा। इधर देखिए, सिवई के लिए दूध मैंने इसमें डाल दिया है, तो ये दूध तब तक खौलेगा, और उधर मेरी सब्जी भी बन रही है, और ये तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ जब तक सब्जी मेरी भुन रही है। अभी इसमें सब मसाले भी सब मैंने डाल दिए, मसालों में बस वही नॉर्मल जो हल्दी धनिया मिर्चा गरम मसाला, और थोड़ा सा सब्जी मसाला भी डालती हूँ तो उससे कलर सब्जी का अच्छा होता है। और ये जब तक सब्जी भी देखिए हमारी लगभग भुन चुकी है, तो बस जब अच्छे से सारी चीज़ें भुन जाएँ, तेल छोड़ दे तो समझ जाइए कि भुन चुका है सारी चीज़ें। तो बस अब मैं इसमें पनीर ऐड कर दूँगी। पनीर मैंने फ्राई कर लिया है क्योंकि कच्चा पनीर नहीं पसंद है पापा को, तो फ्राई करके ही डालती हूँ। और ये मटर भी मैंने हल्की सी बॉईल कर ली थी, ये मटर मैंने जो रखी है, मटर का मैंने वीडियो डाला था कि किस तरीके से मटर रखते हैं प्रिजर्व करके, तो बस उसी को मैं हल्का सा बॉईल कर लेती हूँ तो वो थोड़ा जल्दी पक जाती है। और बस फ्राई कर लूँगी सब्जी को, और उधर तब तक मैं पूड़ियों का आटा भी लगा के रख लूँगी जब तक हमारी सब्ज़ी बनेगी उतनी देर में। और अभी मैंने नमक नहीं ऐड किया था, तो बस नमक ऐड करना है टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने, और बस ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल ही बना रही हूँ। राइस नहीं बना रही हूँ क्योंकि राइस मना कर दिया था इन लोगों ने कि शाम को थोड़ा सा कम पसंद करते हैं सब लोग राइस, तो इस वजह से राइस नहीं बनाया मैंने। तो बस ये सब्जी हमारी भुन रही है, और इधर दूध भी खौल रहा है, और इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी और सिवई को इंडक्शन पे चढ़ा दिया है, इसमें रिफाइंड डाल देती हूँ मैं, और ये कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डाल देती हूँ जब तक ये गर्म होगा। और इसी में मैंने पनीर तला था, उसी में थोड़ा सा और बढ़ा दे रहे हैं रिफाइंड, तो उसी में पूड़ियाँ निकाल लूँगी मैं। और ये देखिए, मैं जो भी जैसे तेल या रिफाइंड जो भी निकालती हूँ तो तुरंत के तुरंत ऐसे डिब्बे को पोंछ दो तो थोड़ा गंदा नहीं होता है। और ये देखिए, इधर मैंने इंडक्शन पे दूसरे पैन में चढ़ा दिया क्योंकि वो भगोना इस पर फ्लैट नहीं है तो वो इस पर नहीं काम करता है, तो इस पर मैंने फ्राई पैन में चढ़ा दिया दूध जब तक इधर खौलेगा। इसमें सिवई डाल दूँगी और इधर पूड़ियाँ तल लेती हूँ क्योंकि लेट भी काफ़ी हो गया, बहुत देर से हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्या बनना है, तो लेट हो गया है डिनर में, तो इसीलिए जल्दी जल्दी से बना रही हूँ मैं। तो इधर पूड़ियाँ जब तक तल लेती हूँ मैं, और सब्जी हमारी इधर पक रही है। तो बस पूड़ियाँ जैसे जैसे निकलती जाएंगी सबका लगाती जाऊंगी मैं खाना, पहले पापा जी का लगा दूंगी। और मैं शूट करती लेकिन वहाँ पे मतलब वो नहीं आएंगे कैमरे पे, इसलिए जो है मैंने कोशिश भी नहीं की, बस मैंने खाना भिजवा दिया था नीचे, पापा का रूम नीचे है तो मैंने वहीं खाना भिजवा दिया था, और वो मना भी कर रहे थे कि नहीं बर्थडे बर्थडे नहीं, बड़े लोगों का मनाते, लेकिन मैंने सब मंगा लिया था तो मैंने कहा नहीं मैं बनाऊंगी खाना, और तो कुछ नहीं कर रही हूँ तो खाना ही बना लेते हैं। तो
तो ये उधर हमारी सब्जी भी बन गई है लगभग और इधर पूड़ियाँ निकल रही हैं। अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। मैंने बस वीडियो शूट करना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि बिल्कुल अचानक से हम लोगों का प्लान बना कि क्योंकि अगर हम लोग केक वेक मंगाते तो पापा काटने को तैयार ना होते और गुस्सा होते, उनको नहीं पसंद आता है। तो मैंने सोचा क्यों ना खाना ही हम लोग बना लेते हैं, इसी तरीके से सेलिब्रेट कर लें। तो मैं दिखाती तो, लेकिन मैं उनको नहीं दिखा सकती क्योंकि वो कैमरे पे नहीं आएंगे। तो बस मैंने इसमें इसलिए मैंने सिर्फ खाना बनाया वो आप लोगों को दिखाया। और उसके बाद अब आन्या खा रही हैं और अभी हम लोग ने नहीं खाया, पापा को लगा के दे दिया, पापा खा लेंगे तब खाएंगे। तो अच्छा लगता है इस तरीके से अगर घर में किसी का भी बर्थडे हो सेलिब्रेट करना। और देखिए पूरा पसीने में मैं भीग गई, पूरा मेरा कुर्ता बिल्कुल भीगा हुआ है क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। आप लोग सोचते हैं मैं हर वीडियो में बोलती हूँ बहुत गर्मी हो रही है, तो सच में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और किचन खासकर तो जब कुकिंग करो किचन में तब सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है। तो पूरा बिल्कुल मैं भीग गई थी पसीने से। फिर मैंने सोचा मैं आप लोगों से मैंने बात नहीं किया, बस मैंने सीधे वीडियो स्टार्ट कर दिया था। तो अब आन्या खा रही हैं और उसके बाद फिर पापा खा लेंगे तो हम और ये खाएंगे। तो बस आन्या की मैं ये देखिए सिवई, अभी आन्या को सिवई नहीं दी थी, आन्या की सिवई लेके आई हूँ, अभी दिखाती हूँ आन्या को खा रही हैं। पीछे का आप लोग प्लीज़ माइंड मत करें क्योंकि आन्या को बहुत ठंड लगती है जब एसी चलती है। तो ये ब्लैंकेट ओढ़ के सोती हैं और ये देखिए ये एंजॉय कर रही हैं पनीर पूड़ी जो कि इनको बहुत पसंद है। और सिवई मैं भी इनके लेके आई। कैसा बनाया आन्या? अच्छा, टेस्टी। तो बस फिर आन्या खा लें फिर हम लोग खाएँगे। तो आन्या खा रही हैं और मैं थोड़ी देर खाऊंगी हवा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। थोड़ा सा हवा खा लें और तब तक फिर पापा भी खा लेंगे खाना, फिर उसके बाद खाना स्टार्ट करती हूँ। और एक मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लाने वाली हूँ जो कि मैंने मतलब काफ़ी दिनों से मैं उसका एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर कर रही हूँ। जब मुझे सही लगता है तभी मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो एक मैंने हेयर पैक बनाया था, उसको मैं लगा रही हूँ काफ़ी दिनों से, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा किया। तो उसका वीडियो मैं बहुत जल्द लाने वाली हूँ अपने चैनल पे, बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बस अपने वीडियो को अभी हम लोग बस खाना खा लें, उसके बाद अपना वीडियो मैं एंड करती हूँ क्योंकि आज शाम से व्लॉग स्टार्ट कर किया। तो और सुबह ब्रेकफास्ट में कचौड़ियाँ बनाई थी, उसके बाद फिर लंच में आलू परवल की सब्जी, रोटी, चावल। और फिर इस टाइम मतलब कोई प्लान नहीं था लेकिन बस सोचा कि चलो अच्छा खाना ही बना लेते हैं। तो बस पनीर की सब्जी, पूड़ी और चावल नहीं बनाया क्योंकि रखा हुआ था और शाम को राइस कम सब लोग खाते हैं तो मैंने नहीं बनाया। और आलू परवल की सब्जी भी रखी थी और सिवई बना ली क्योंकि सिवई पापा को पसंद है। बस इस तरीके से सेलिब्रेट कर लिया उनका बर्थडे, और तो कुछ हम लोग कर नहीं सकते थे। केक लाते तो वो काटते ना, इसलिए केक नहीं मैं लाई, वरना केक मैं मंगा लेती। लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ पनीर मंगाया और सब्जी बनाई, पूड़ी और सिवई उनको पसंद है वो बना दिया। इस तरीके से मना लिया बर्थडे। तो आप लोग भी बताइएगा जब आप लोग घर में किसी का बर्थडे होता है तो किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो बस फिर अब, और हाँ मैंने मेहंदी लगाई थी, ये मेरी भाभी की बहन आई थी उसने लगाई थी, तो छूट गई मेहंदी, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना ही भूल गई। ये देखिए और दूसरे हाथ में उसने ये पीछे फ्लावर बना दिया था और बोला था कि आप दीदी आगे लगा रहे ना, लेकिन मैं मुझे टाइम नहीं मिला और मैं लगा ही नहीं पाई। वो ऐसे ही पीछे लगा लगा, हल्का भी हो गया फ्लावर वो, लेकिन मुझे लगाने का टाइम ही नहीं मिला। मतलब मैंने सोचा था सिर्फ गोले गोले ही रख लेंगे लेकिन वो भी टाइम नहीं मिला लगाने का और मेहंदी लग ही नहीं पाई। तो बस सावन में, लेकिन कुछ तो लग गई, काफ़ी अच्छी उसने डिज़ाइन लगाई थी, कुछ तो मेहंदी लगी गई, छूट भी गई है। अब रक्षाबंधन पे या फिर हरियाली तीज पे लगवाऊंगी, तो देखते हैं। अपने आप तो बहुत अच्छी मुझे नहीं आती है, लेकिन जब कोई नहीं होता है तो फिर मैं अपने आप ही लगा लेती हूँ, कुछ भी डिज़ाइन लगा लेती हूँ। तो अगर अपने आप लगाऊंगी तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और अगर किसी से लगवाऊंगी तो शेयर करूंगी। तो बस अभी बस हम लोग डिनर कर लेती हैं, फिर आन्या का तो हो रहा है और बस हम और ये बचे हैं, तो हम लोग भी डिनर कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। मेरी भी थाली, मैं अपनी थाली लगा लाई हूँ, और ये पनीर की सब्जी, सिवई और पूड़ी, और थोड़ा सा मैंने इसमें राइस भी रखा था वो मैंने अलग रख दिया। तो बस मैं भी जा रही हूँ डिनर करने। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।